दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की न्यू आल्टो केटन का VXi प्लस वेरिएंट जो कि 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ है। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 5,35,000 है, ऑन रोड है 6,30,000 रुपये। इसमें जो वेरिएंट्स आते हैं टोटल 4 आते हैं। स्टैंडर्ड वेरिएंट इसका आता है जिसकी एक शोरूम प्राइस 3,99,000 है। उसके बाद LXi आता है जिसकी एक शोरूम 4,83,000 है। फिर VXi आता है 5,06,000 और ये इसका टॉप वेरिएंट है VXi प्लस, एक शोरूम प्राइस 5,35,000 रुपये। इसमें CNG का भी वेरिएंट आता है जो कि VXi में आता है, उसकी एक शोरूम कीमत है 5,56,000 रुपये। इसकी यार अगर हम की बात करते हैं तो इसमें एक नॉर्मल की और एक सेंटर लॉक वाली की आती है। एटलीस्ट यार टॉप मॉडल में इनको दोनों में सेंटर लॉक वाली की देनी चाहिए थी जो कि यार कॉस्ट कटिंग देखा जाए एक तरफ से मारुति ने इसमें किया है। फ्रंट में आपको देखा जाए तो इस तरह से इसकी हेडलाइट्स की डिज़ाइन आपको टॉप वेरिएंट्स में देखने को मिल जाती है। सुजुकी का इस तरह से आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा और इस तरह से कुछ इसका हेडलाइट्स की डिज़ाइन है। फ्रंट में ये ग्रिल जो दिया गया है यहाँ पे इन्होंने देखिए टॉइंग हुक को यहाँ पे छिपा के रखा है, मतलब अगर आप सामने से देखोगे तो ये दिखेगा ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके कि यहाँ पे टॉइंग हुक इन्होंने कैसे हिडन करके रखा हुआ है। इस तरह से देखिए टॉइंग हुक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इनकेस आपकी व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाती है तो यहाँ से टॉय करके व्हीकल को आप ले जा सकते हैं। इस तरह से देखिए गाड़ी वैसे फ्रंट का लुक देखा जाए तो पुरानी वाली अल्टो से काफ़ी अच्छी है। फेंडर का आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, वही फेंडर जो पहले आती थी टाइप 2 वर्जन में। टायर साइज की बात करते हैं तो 12 से 13 इंच कर दिया है, पहले तो 12 इंच के आते थे लेकिन नई वाली आप आल्टो में आपको 13 इंच के टायर साइज मिलेंगे। ORBM भी आपको ब्लैक कलर का मिलेगा जो कि, और डोर हैंडल देखा जाए तो वही जो आल्टो 800 जब लॉन्च हुई थी तब का वही डोर हैंडल अभी भी इस कंपनी यूज कर रही है। बाकी इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन दिया गया है, टोटली ब्लैक डिज़ाइन दिया गया है। और इसमें आपको देखिए फ्रंट टू डोर आपको पावर विंडो मिलता है केवल। बाकी मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करके इसकी डिजिटल मीटर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से देखिए इसका डिजिटल मीटर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया गया है। फुल फ्लैट स्टेयरिंग दी गई है, स्टेयरिंग पर ऑडियो ब्लूटूथ का कंट्रोल दिया गया है, कॉल पिक एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। और इस तरह से देखिए इसका डिजिटल मीटर इस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया हुआ है। इसको सेट करने के लिए यहाँ पर एक नॉब भी दिया गया है जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये देखिए। बाकी इंटीरियर में आपको देखा जाए तो यहाँ पे कुछ टोटली ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है आपको, चारों डैशबोर्ड पे एसी बैंड मिल जाते हैं, म्यूजिक सिस्टम टच वाला मिल जाता है इस तरह से आपको इसमें। और ये पावर विंडो की सेटिंग इसकी डैशबोर्ड के नीचे म्यूजिक सिस्टम के नीचे दी गई है। मैनुअल एसी का भी ऑप्शन आपको इसमें मिलता है और यहाँ पर आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन मिलता है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आप USB AUX और टाइप सी का भी चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया हुआ है। एक्सेसरीज रखने के लिए यहाँ दिया गया है, दो आपको कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है। गियर लेवर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से इसका दिया गया है। और इंटी आपको ग्लोव बॉक्स में दिखाता हूँ, ये देखिए ग्लोव बॉक्स भी थोड़ा ठीक ठाक दिया गया है, आप एक्सेसरीज वगैरह इसमें अपना रख सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं सनवाइजर की तो आपको को ड्राइवर सनवाइजर मिलता है, IRBM कुछ इस तरह से डिज़ाइन इसका है। और ड्राइवर साइड भी सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलता है, केवल सनवाइजर आपको देखने को मिलता है। और बाकी इंटीरियर देखा जाए तो आपको देख ही रहे हैं टोटली ब्लैक इंटीरियर दिया गया, थोड़ा स्पोर्टी गाड़ी का लुक बनाने के लिए इंटीरियर टोटली ब्लैक दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पुरानी वाली अल्टो से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपको रियर में बैठ के इसकी सीटिंग कैपेसिटी दिखाता हूँ तो इस तरह से इसका रियर का कुछ स्पेस है आपको देखने को मिल जाता है। रियर में आपको घुमाने वाला दिया गया है, पावर विंडो नहीं है, आपको इस तरह से इसको स्लाइड करना पड़ेगा विंडो को रियर में दोनों साइड में, जो कि एटलीस्ट चारों पावर विंडो करना था ये टॉप वेरिएंट में इनको, लेकिन यहाँ पे कॉस कटिंग की है। यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है। और बाकी कुछ तरह स्पेस देखा जाए तो यार पीछे का स्पेस काफ़ी अच्छा है, आप 2 या 3 एडल्ट आप लोग आराम से बैठ सकते हैं पीछे में, काफ़ी स्पेस है पीछे, फुट स्पेस भी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है, आपका हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है इसमें। बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं पीछे की डिज़ाइन की तो काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आपको इसका रियर का लुक दिखाता हूँ तो ये देखिए इसका रियर का लुक कुछ इस तरह से दिया गया हुआ है जो कि पुरानी वाली आल्टो से टोटली डिफरेंट दिख रहा है आपको। रियर टेल लाइट कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन दी गई, आल्टो केटन की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है, आपको कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन दिया गया है, प्यारा लग रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे इसकी बूट स्पेस की तो बूट स्पेस आपको इसमें देखिए पहले पार्सल ट्रे ये है, और बूट स्पेस की बात करते हैं तो 214 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल रहा है, जो कि गाड़ी आपको कॉम्पैक्ट गाड़ी है, साइज़ छोटी है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। स्टेपनी का प्लेसमेंट यहाँ पर दिया गया हुआ है
और बात करते हैं इसमें तो आपको पीछे काफ़ी अच्छा है, 214 लीटर का ड्रेस स्पेस काफ़ी सफिशेंट है। बाकी अगर हम बात करते हैं पीछे इसमें तो आपको इसमें इस तरह से अगर आप लॉक कर सकते हैं, लॉक करने का ऑप्शन की से आपको पीछे करना पड़ेगा। और बाकी हम अगर बात करते हैं इसके इंजन प्लेसमेंट की तो इंजन का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका बोनेट ओपन करके इसके इंजन और पावर के बारे में। तो ये देखिए इसका इंजन यहाँ पे, और इस तरह से इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन केटन सीरीज़ का मिल जाता है जो कि 998 सीसी पे है और 3 सिलेंडर का इंजन है इसमें। पावर की बात करते हैं तो 49 किलोवाट का पावर मिलता है और टार्क है 89 NM का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 27 लीटर की। व्हील बेस है 2380 mm का, और अगर हम इसके टर्निंग रेडियस की बात करते हैं तो 4.5 mm है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करते हैं इसके माइलेज की तो पेट्रोल पे माइलेज आपको मिलता है 24.39 KMPL और CNG पे माइलेज की बात करते हैं तो 33.85 KMP/kg माइलेज आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है यार, कॉम्पैक्ट गाड़ी है। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।